नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू चैट। जनपद बलिया जिला सभागार में जिला अधिकारी और एसपी सहित भाजपा सांसद के सामने ही बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह और उनके समर्थकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ जमकर मारपीट की। अफरा तफरी और हंगामे के बीच किसी तरह डीएम ने डीआईओएस को सभागार से बाहर निकाला। अगर यही योगी राज का रामराज है तो कैसे बनेगा भयमुक्त समाज। जरा इस दृश्य को भी गौर से देखिए, जहां भाजपा के विधायक उनके कार्यकर्ता सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि जिला अधिकारी और एसपी के सामने ही जिला विद्यालय निरीक्षक की पिटाई कर देते हैं। बताते चलें कि जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जिले के आला अधिकारियों के साथ ही भाजपा विधायक व भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद थे। तभी भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद शंकर दुबे ने डीआईओएस पर जुबानी हमला बोल दिया और देखते ही देखते भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह और उनके समर्थकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक से मारपीट शुरू कर दी। दरअसल कुछ दिनों पूर्व भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पहुंचे थे, उस दौरान डीआईओएस ने विधायक से मिलना मुनासिब नहीं समझा। वहीं गुस्सा आज फूट पड़ा। ऐसे में भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का कहना है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने मीटिंग गुंडागर्दी कर रहा था, जन प्रतिनिधियों पर ही आरोप लगा रहा था, इसलिए हंगामा आला अधिकारियों के सामने भाजपा नेताओं द्वारा अधिकारी की पिटाई का मामला टूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी बलिया भवानी सिंह खगरौत का कहना है कि कई राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए अधिकारी पर गलत दबाव बना रहे हैं, जो कि गलत है, और इस प्रकरण में भी जांच कर पूरी रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाएगा। समाचार टू जेड के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट।